या कोताही जो है वो अपनी मतलब 2.5 साल में जो है वो उसके लिए छोड़ी, या मैं किसी मतलब सही से टाइम नहीं दे पा रही, या मैंने मतलब कुछ ऐसी बातें की हैं कि जिससे मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मुझे नहीं करना चाहिए थी इतनी बेटी थी, तो मतलब इसका अजाला है मतलब मैं अजाला तो अभी हो गया, आपने पहला कदम ले लिया। बच्चे अभी छोटे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो गए हैं उनका बहुत मुश्किल होता है ठीक करना। हमारे पास जो बड़े बच्चे आते हैं वो कभी कभार इतना लेट हो चुका होता है, मैं उन माओं को जिनको रियलाइज़ हो जाता है और उनका बच्चा अभी से ही किसी न किसी चर्च कोर्स में पढ़ चुका है, वो माएँ दिन दिन रोती हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ में माँ नजर आई है ना, वो जो अपने बेटे को या किसी बेटी को या तो बेटी के साथ कुछ बुरा हो गया होता है, अल्लाह को अल्लाह हिफाजत रखे उन सब की, या बेटा नशे में चला गया, वो माँ जिंदा लाश हो गया, बहुत मुश्किल। अभी ये बच्चे आपके छोटे हैं और जिनके फर्स्ट बॉर्न्स हैं, आप तो ऐसी जगह खड़े हैं, आप तो माशरा बदल सकते, पूरा माशरा बदल सकते, यहाँ से टर्न अराउंड हो जाए अगर इधर देख लें, अपना चेहरा दुरुस्त करें, किबला दुरुस्त करें। मैं अक्सर अपनी बेटी को जो है वो पनिशमेंट के तौर पे उनको अक्सर बोलती हूँ कि मैं आपको वॉशरूम में बंद कर दूंगी, अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको वॉशरूम में बंद कर दूंगी, मतलब करती नहीं हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस पर हाथ ना उठाऊँ। बच्चे हैं, गलती कर देते हैं किसी बात में या जिद करते, तो मैं अक्सर जो है वो उसे यही कहती हूँ मैं आपको वॉशरूम में कर मैं बंद कर दूँगी। शायद मेरी इसी वजह से मेरी बेटी मतलब नहीं ज़्यादा वो करती है, उनको पता है कि मैं ये काम करूँगी तो मम्मा मुझे वॉशरूम में बंद कर देंगी। जिसे काम कराना बड़ा आसान है, माँ बाप समझते हैं आहा मैं जीत गया, क्योंकि जैसे ही आप बच्चे को थप्पड़ मारते हैं बच्चा जो काम कर रहा था वो रुक जाता है, खट करके मेरा दिमाग जो है वो कैलकुलेशन करता है 2+2, जब मैंने इसको मारा तो बच्चे ने रोक लिया, देखो ना मैंने तो उसको अच्छी तरबियत दे दी। आप 10 साल रुक जाए ये बच्चा आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, आप इस बच्चे के साथ 3-4 साल का साथ नहीं है आपका, आप इस बच्चे को बड़ा करके इस माशरे का हिस्सा बना रहे हैं, आपका कोई फर्ज बनता है माशरे की तरफ। हर शख्स अपनी छोटी सी दुनिया अपने घर के अंदर बना के बैठा हुआ है, कचरा डाला थैली में, गैलरी से फेंक दिया। क्यों हम ये नहीं समझ रहे कि आप जो एक वाहिद शख्स हैं वो माशरे का हिस्सा हैं और आप जो कुछ भी करते हैं आप माशरे में अपना कचरा डाल रहे हैं। ये सारा कल्चर जो हमारा बना है कचरे का, महफूज नहीं है, गंदी दिमाग के लोग, सब में हम सबका हिस्सा है। भले आप कितनी भी अच्छी माँ हो, हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि हम सब का इसमें हिस्सा है। जो भी काम करें लॉन्ग टर्म सोचें, मैं जो अभी धमकियां देकर काम करवा रही हूँ या करवा रहा हूँ ये मेरी नाकामी है, कामयाबी नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसा बच्चा बड़ा कर रहे हैं जो इस बात पे यकीन रखता है कि मार के काम करवाओ, जुल्म करो, अगर लड़की काबू ना आए तो उसको लगाओ। मैं यहाँ पर रहती नहीं हूँ, मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी स्कूलिंग जो है यानी कि ग्रोइंग एज से जो है बाहर ही स्टार्ट हुई थी, मगर आई एम रियली प्राउड की ऑर्गेनाइजेशन। मेरे भाई 10 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है, एक्सीडेंट की डेथ हुई है, कि मेरे भाई जो है वो बहुत तारीफ़ करते थे इस स्कूल की, यकीन उनको बहुत दुआ होती है, उन्होंने यकीन इर्द गिर्द से बहुत सारी रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन ली हुई थी स्कूल की, जानते भी थे, इस इदारे के साथ मुंसलिक भी थे नेटवर्किंग के हवाले से। तो इस पर मैं बहुत ही प्राउड और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मुझे बाहर भी जब मैंने अपने बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट की थी तो मुझे इस तरह की कोई ओरिएंटेशन कुछ भी नहीं मिला था, मगर मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे भाई ने अपनी बेटी के लिए बहुत ही अच्छी जगह चूज़ की है और मैं बहुत तहफ़ महसूस कर रही हूँ और उस बच्ची को इस इदारे को सौंपते हुए कि इस उसकी यहाँ पर ड्राइंग जो है स्कूलिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि आप लोगों का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत मुतमईन करने वाला है। और यकीन करें मैं यहाँ से उठते वक्त मुझे भी लग रहा है कि मेरी भी बहुत अच्छी काउंसलिंग हो गई है, क्योंकि मेरे पास भी इस वक्त 3 बच्चे मौजूद हैं मेरे अपने, मगर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और अगर इन फ्यूचर में सोचती भी हूँ कि मुझे वापस आना है तो मुझे पता है कि अब मेरे बच्चों ने अगर कहाँ आना है तो कहाँ जाना है। आई एम रियली प्राउड ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे भाई का जो इंतखाब था वो बहुत बेहतरीन है। थैंक यू सो मच। अभी मेरे शौहर के लिए 5 महीने पे उसको
लेकिन वो अपने फादर के बारे में तबियत को रह नहीं पाती। खानदान वालों ने ऐसा भी अपना हम लोग का साथ छोड़ दिया है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैं अपने बच्चे को समझा नहीं पाती कि किस तरह से रहे अपने फादर के बगैर, क्योंकि माहौल ऐसा है ना कि मतलब मैं खुद अपने आप को सेफ नहीं समझती। कुछ नहीं है हमारे पास, बस हर बार मैं खुद सोचती रहती हूँ जिस तरह से अपनी बेटी को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, कैसा माहौल। जो जैसे अभी अपने वीडियो दिखाई तो देख के दिन में खौफ आ जाता है, मतलब किस तरह से एक अकेली औरत आज के माशरे में किस तरह से मतलब पर्दों का सामना कर सके, जबकि हमारे पास मतलब कुछ भी नहीं है। जहाँ तक कि इनके खानदान वालों ने भी मतलब हमारे साथ छोड़ दिया। मैं अपनी मम्मी के घर पे रह रही हूँ, ससुरालों ने बीमार होने के हमें घर से निकाल दिया है। मेरी बच्ची बिल्कुल घड़ी घड़ी से मिसी रहती है, बिल्कुल मैं भी मतलब इस तरह से हम लोग ऐसे नहीं थे। मेरा शोर एक अच्छी कंपनी में काम करता था, सैलरी अच्छी थी, हम लोग बहुत अच्छा अच्छे खाता खाना अच्छा पीना हर चीज़ अच्छी थी। 5 साल मैंने अच्छे गुजारे, लेकिन अभी उनके जाने के बाद 5 महीने जैसे मैं गुजार रही हूँ ना, तो वो ज़िंदगी का ऐसा सबक है ना जो किसी है। और इनकी भी स्टोरी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला है, अपने दो बच्चे कैसे संभाले, लेकिन ये अपनी ताकत से आपको ताकत देंगी। ये दिए से दिया जलता है, इसको हम कहेंगे आज से हमारी सिस्टरहुड, ब्रदरहुड होती है ना, जैसे भाईचारगी फिर बहनचारगी, आपस में बहनें जुड़ेंगी अभी और ऐसे मजबूत हो जाएंगी, और साइमा इसको लीड करेगी। ठीक है साइमा, आई लव यू मम्मा। और ये ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, हम इसको कहते हैं स्वान। स्वान का मतलब है वो जो बतख होती है लंबी गर्दन वाली खूबसूरत जो बतख नहीं होती, इसको स्वान कहते हैं, और SWAN, और ये स्टैंड करता है सिंगल विमेन अवेयरनेस नीड्स। और इसमें हमारी ऑलरेडी 22 से 25 मदर्स ऑलरेडी मौजूद हैं इस ग्रुप में, उनका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। यहाँ की ये जो इस फाउंडेशन के छोटे से ग्रुप के अंदर छोटा स्वान स्टार्ट होगा, और ये आपस में 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, एक दूसरे के पास आएं जाएं, एक दूसरे को ताकत दें कभी, क्योंकि इंसान उसी को समझ पाता है जिस पे गुजरी होती है, वो उसको समझ पाता है। ठीक है, और फिर कुछ ना कुछ आप लोगों में से ज़रूर ऐसे मर्द उठेंगे जो कि मुझे यकीन है जो सही मानों में जिन जो बहादुर। सबसे बड़ी बहादुरी क्या होती है? सबसे बड़ी बहादुरी होती है अपनी कमजोरी को मानना। बहुत बहादुरी का काम है क्या इंसान ये मान ले कि मैं मेरे अंदर ये कमजोरी है, वाकई मैं कमजोर हूँ, ये कहना और मानना वो पहला कदम है दुरुस्तगी का। जब मान लिया तो दुरुस्तगी आएगी, मानेंगे ही नहीं कि नहीं मैं तो बड़ा ज़बरदस्त हूँ, मेरे अंदर कोई खराबी नहीं, तो वहाँ से तो कभी ग्रोथ हो ही नहीं सकती, वहाँ ग्रोथ रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, स्टैगनेंट हो जाती है, जहाँ आपने कह दिया मैं तो कंप्लीट हूँ और परफेक्ट हूँ अच्छे अंदाज में। अच्छा, ये सब हम स्कूल में बच्चों के साथ करते हैं, 3 साल 4 साल की उम्र में हम बच्चों को सिखाते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सा टच गुड टच है, कौन सा टच बैड टच है। बच्चे को अंदाज़ा हो जाता है, उसको समझ आ जाता है कि ये वाला टच जो था ना ये गुड टच नहीं था। वो आपको आके बताएगा सबसे पहले, और अगर आपने उसकी बात को एक बार नहीं सुना दूसरी बार नहीं बताएगा। अगर वो आपको लग रहा है कि वो अनईजी है, किसी के पास जाने में मना कर रहा है, मैं आपको जो हूँ ना वो चाचा के पास छोड़ रही हूँ, या वो कह रहे मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ बैठ जाएं उसकी बात को सुने, क्यों मना कर रहा है, मैं नहीं जाऊँगा बाइक पे अंकल के साथ, सुनिए उसकी बात प्लीज़। ये मैं कोई कहानियों की बातें नहीं बता रही, मैं आपको लियारी में रहकर हर हफ्ते एक केस कम से कम मेरे हाथ से ही गुजरता है। मैं तो बहुत छोटे से खत्ते में काम कर रही हूँ, और जब सर पे से पानी गुजर जाता है ना, उन माँ बाप से पूछे वक्त कुछ हो जाए उससे पहले बचा लें, और वो भी हो चुके हैं, पानी सर से भी गुजरा है बहुत सारा यहीं, कई कई सालों से बच्चा अब्यूज हो रहा था घर में,
माँ बाप को नहीं पता था, हमने ढूंढा स्कूल में, हमने खोली वो बात, हमने माँ बाप को बुलाया और वो बात सच निकली। छः छः साल से बच्चा अभी उड़ रहा था घर के अंदर, एक केस कम अज कम मेरे हाथ से ही गुजरता है। मैं तो बहुत छोटे से खत्ते में काम कर रही हूँ, और जब सर पे से पानी गुजर जाता है ना, उन माँ बाप से पूछें, वक्त कुछ हो जाए उससे पहले बचा लें, और वो भी हो चुके हैं, पानी सर से भी गुजरा है बहुत सारा, यही कई कई सालों से बच्चा अब्यूज हो रहा था घर में, माँ बाप को नहीं पता था, हमने ढूंढा स्कूल में, हमने खोली वो बात, हमने माँ बाप को बुलाया और वो बात सच निकली। छः छः साल से बच्चा अब्यूज हो रहा था घर के अंदर। आपका फर्ज है, आपको अमानत दी है अल्लाह सुब्हान व तआला ने, आप सिर्फ अमीन हैं इस बच्चे के, आप इसके मालिक नहीं हैं। एक ये भी सोच को ठीक करें, हर पेरेंट समझता है मेरी मिल्कियत है बच्चा, आपकी मिल्कियत नहीं है। जैसे ही वो जवान हो जाएगा, बालिग हो जाएगा, आपने उसको छोड़ देना, उड़ा देना, फिर वो अपनी ज़िंदगी बनाएगा। इसी तरह कोई भी किसी की मिल्कियत नहीं है, अगर मिल्कियत होता तो हमारे साथ दफनाए जाते हुए, ये मेरी मिल्कियत है, जैसे फिरौन के साथ हर चीज़ दफना दी गई थी ना, कोई किसी की मिल्कियत नहीं है, ना बीवी शोहर की मिल्कियत है, ना शोहर बीवी की मिल्कियत है, ना बच्चे हमारी मिल्कियत है, ना माँ बाप हमारी मिल्कियत है। हम सब अमीन हैं एक दूसरे के, हम पे फ़र्ज किया गया है कि इतने अरसे तक आपने इसको संभालना है, और फिर उसको छोड़ देना है, उड़ा देना है, दुआ देके कि जाओ मैंने तुम्हें पाल लिया, अब जाओ दूसरों की सर्विस करो, अच्छाई बांटो दुनिया में, और सारी ज़िंदगी के लिए जिनका फ़र्ज़ हम पे डाल दिया गया वो है उनको हम छोड़ देना। तो प्लीज़ घरों में, जिन जिन के घरों में दादा दादी नाना नानी मौजूद हैं, वो कदर करें उनकी। रिसर्च हुई है और ये रिसर्च साइंटिफिक है, ये वो रिसर्च नहीं है जो ऐसे ही रिसर्च पढ़ते हैं लोग, रिसर्च करके इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई है यूरोप में, कैनेडा में, ऑस्ट्रेलिया में। रिसर्च क्या हुई है, वो बच्चे जिनके घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं और वो बच्चे जो सिंगल माँ बाप के साथ बड़े होते हैं, उन दोनों की पर्सनैलिटीज़ को जांचा गया, पता चला जो माँ जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बड़े होते हैं उन बच्चों के अंदर ओवरऑल दुनिया के साथ मोहब्बत करने की सलाहियत ज़्यादा है। अब इस पूरी रिसर्च को इम्प्लीमेंट कैसे किया उन्होंने, आप देखें फिनलैंड और नॉर्वे और इन कंट्रीज में, तो वो सबको निकलना पड़ता है, तो वो अपने बड़ों को ऐसी जगह कहते हैं कि रखें जहाँ उनको उनको दवाई भी मिले, उनका ख्याल भी रखा जाए, उनको एक्सरसाइज भी मिले, फिजियोथेरेपी भी मिल जाए, और फिर वो हफ्ते हफ्ते में मिलने जाते हैं और फिर उस हॉस्पिटल को वो पे करते हैं, हॉस्पिटल नहीं कहते उसको, आल्टरहाइम कहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, वो जो आल्टरहाइम्स हैं जहाँ पे वो ओल्ड पीपल होते हैं और साथ में जहाँ बच्चे छोटे मॉन्टेसरी हैं, उन दोनों को साथ साथ बना रहे हैं। वो जो बूढ़े हैं वो दिन के वक्त गुजारते हैं मॉन्टेसरी में, कहानियाँ सुनाते हैं, जोड़ दिया उनको ताकि उनकी तरबियत भी अच्छी हो और उनका दिल भी भरा। और हम क्या करें, हमें सबसे ज़्यादा जो बुरे लगते हैं वो हमारे सास, हमारे बड़े हमारे घर के, उनको साथ लेकर चलिए, बैठिए दादी इधर, इनके बगैर इनके बच्चे यहाँ नहीं हो सकते थे, ये हैं तो ये बच्चे हमारी स्कूल में हैं, वरना शायद उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी किसी कमजोरी की वजह से उसको नहीं कर पाते थे। स्पेशल है इनकी, इनका बेटा और इनकी बहू स्पेशल होने की वजह से वो तबादला नहीं कर पाते अपने बच्चे के लिए जो ये आ गया है। प्लीज आज से आप कदर करें अपने बड़ों की, और जो कदर आप अपने बड़ों की करेंगे वो बच्चों के सामने करें ताकि वो भी कदर करना सीखें। आज वो बड़े हैं कल आप बड़े हो जाएंगे, रिपीट होती है उसको, तो कारमा कहते हैं, जो हमने दिया दुनिया को वो वापस मिलता है। ठीक है।